हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2023 का जो शॉर्ट लिस्टेड है फिजिकल के लिए वो आउट हो चुका है, वो तो सबको पता होता ही होगा। तो अब क्या है, जो आप लोग का रनिंग है वो 15 अप्रैल से ही शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। तो हम जितना एक्सपीरियंस किया है वो आज बताने जा रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी किसी को अभी तक नहीं पता होगा शायद ना। सबसे पहले जिसका हाइट कम है, स्पेशली नोटिस, जो नोटिस का है वो ध्यान से सुनिए। नोटिस का हो, नोटिस का जितना भी है, जैसे कि आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वो लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। वो लोग का ज़्यादा से प्रॉब्लम रहता है हाइट का वजह से, हाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता है नोटिस का, क्योंकि छोटा छोटा हाइट होता है। उसके लिए भी कुछ फॉर्म आप लोग को फिलअप करके लेके जाना है, जो डी सी ऑफिस से साइन मरवा के लेके जाना है। वो फॉर्म अभी किसी किसी को पता नहीं है कि वो फॉर्म का है, लेकिन बहुत लोग को पता है, जैसे कि हमको भी पता है, अभी बताने जा रहा हूँ ना। वो फॉर्म उसी नोटिफिकेशन में है, नोटिफिकेशन का सबसे लास्ट में दिया गया है। जो अच्छा से नोटिफिकेशन रीड आउट किया है उसको पता होगा कि हाइट रिलैक्सेशन का फॉर्म कहाँ है, उसको अच्छा से पता होगा। और जो हमारा जैसा है, मतलब बस आगे वाला पेज कोई पढ़ने वाला है, उसको पता नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो आप लोग का पहले जो नोटिफिकेशन फर्स्ट में जो आउट किया था ऑनलाइन के लिए, अगर वो नोटिफिकेशन किसी का पास नहीं है तो मेरा पास अवेलेबल है। हम कॉन्टेक्ट नंबर देके रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ में हमको वो नोटिफिकेशन के लिए मैसेज भेजिए, हम तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी भेज देगा और फॉर्म भी भेज देगा, कहाँ है वो बता देगा। वो नोटिफिकेशन का सबसे नीचे में, ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 48 में है, पेज नंबर 48 में है, एनेक्चर 9 में है, पेज नंबर 48 में वो फॉर्म। उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपना गेजेटेड ऑफिसर से, लाइक डीसी ऑफिस में जाके, या तो सब डिविजन ऑफिस, किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफिसर से करवा सकते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डीसी ऑफिस ही डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, तो उसमें जाके आप उसको साइन करवाइए। और जब रनिंग होता है फिजिकल में, वह सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा। उस वक्त आपका अगर हाइट का प्रॉब्लम होगा तो उसको आप ये फॉर्म दिखा सकता है कि हम नोटिस का है, तो इसमें हाइट रिलैक्सेशन का हम ये सर्टिफिकेट ही है, सर्टिफिकेट जैसा ये सर्टिफिकेट लेके आया है, ये दिखा के आप उससे वो बता सकते हैं जब आपका वो हाइट का प्रॉब्लम, आप ये हाइट प्रॉब्लम वाला आपको और बाकी डॉक्यूमेंट का भी तो पता लगना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन में जितना आप ऑनलाइन करते वक्त डॉक्यूमेंट सब उसको दिया था, मतलब क्लिक करवाया था, जैसे कि आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया होगा, ओबियसली कोई एससी ओबीसी, उस सर्टिफिकेट सब आप कैरी करके लेके जाना पड़ेगा उस वक्त, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट तो पूरा चेक नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट जो बाद में होगा रनिंग का बाद अच्छे से चेक करेगा, लेकिन अभी भी आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। जो आप लोग उसको लेके जाइए, आप जितना ऑनलाइन करते वक्त जो डॉक्यूमेंट वो दिया गया था। और भी अपडेट आपको जानना है या पता लगाना है तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर पे मैसेज, या तो आप नया है मेरा चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो और भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेगा आपको। हम भी एसएससी जीडी में ही भर्ती हुआ हूँ और हम जितना एक्सपीरियंस किया है उसी को हम आप लोग को बताएगा, और रनिंग का बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएगा कि कैसे रनिंग, मतलब कंप्लीट करना है या तो कवर अप करना है,